सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इस खबर की दीगर तफसीलात आपको देंगे। फिलहाल आपको बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत शुरू हो चुकी है। अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। अफजल जावेद, आगाह कीजिएगा, समाअत का आगाज हो चुका है, अब तक क्या तफसीलात इस पर इकट्ठे हुए हैं? मुल्क भर में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार से जो 4 आईनी दरखास्तें थी उस पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ने 3 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहा है और जो पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत में जो है पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि पीटीआई की दरखास्त पर जो है स्टार ऑफिस के खिलाफ जो है एतराजात की अपील दायर की गई है। ये अपील तो चैंबर में लगनी थी, खुली अदालत में कैसे लगी? जो आबिद जुबैरी हैं जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि वो आप अपनी दरखास्त में क्या मांग रहे हैं और आपने अपनी दरखास्त कब दायर की और जल्द समाअत के लिए आपने दोबारा दरखास्त क्यों फाइल नहीं की। जो बैरिस्टर अली जफर है उन्होंने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आनी दरखास्तों पर इतराज आयद किया गया था। इस मौके पर जो है आप इस बार की अदालत को बताया कि हमने 5 अगस्त को मुश्तरका मुफादात काउंसिल का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज किया था और चैलेंज किए जाने के बावजूद जो है 2 माह गुजरने पर हमारी दरखास्त को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिक्स नहीं किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये फौरी नोयत का मामला है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को जल्द समाप्त करने के लिए दरखास्त दायर करनी चाहिए थी। आबिद जुबैरी ने अदालत को बताया कि मर्दमशुमारी के हवाले से उन्हें यह नहीं मालूम कि कब शुरू हुई कब खत्म हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको ये जरूर मालूम होनी चाहिए था कि मर्दमशुमारी कब शुरू कराई गई कब खत्म कराएगी। आबिद जुबैरी ने अदालत को बताया कि जुडिशियल जो मर्दमशुमारी की मंजूरी देने की प्रेस रिलीज ही रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिस पर जस्टिस सत्य मिलने ने इस्तफसार किया कि क्या मर्दमशुमारी के हवाले से आइन में कुछ लिखा है कि कब जरूरी होगा, क्या मर्दमशुमारी का इंतखाबात से ताल्लुक है या किसी और मकसद के लिए होती है। इस वक्त इस केस की समाअत चल रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया इसके अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने व्यूअर्स को आगाह कर रहे हैं इस कार्रवाई के हवाले से जो कि आज हुई है। आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए हैं।